भारत की सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में अगस्त के महीने में भी ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि जुलाई के मुकाबले इसकी रफ्तार थोड़ी कम रही। मंगलवार को S&P ग्लोबल ने भारत के सर्विस सेक्टर की PMI से जुड़े आंकड़े जारी किए। तो चलिए जानते हैं कि इन आंकड़ों से क्या जानकारी सामने आई। तो आपको बता दें कि जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 60.1 पर रही है। हालांकि जुलाई में यह आंकड़ा 62.3 का था। यह लगातार 25वां महीना रहा जब सर्विस PMI 50 से ऊपर रही है। इंडेक्स के 50 से ऊपर रहना गतिविधियों में बढ़त दिखाता है, वहीं 50 से नीचे आने पर यह गतिविधियों में गिरावट को दर्शाता है। यानी बीते 25 महीने से लगातार सर्विस सेक्टर में बढ़त देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले आंकड़ों के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग PMI 58.6 पर पहुंच गई, जो कि जुलाई में 57.7 के स्तर पर थी। ये 3 महीने के उच्चतम स्तर पर है। इसके साथ ही इन आंकड़ों के साथ कंपोजिट PMI, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों ही शामिल होते हैं, उसकी PMI के आंकड़े 60.9 पर रहे, जो कि जुलाई के महीने पर 61.9 पर थे। अब जिन दर्शकों को PMI के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें कि PMI का मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अर्थव्यवस्था की दिशा को जानने का ये एक तरीका होता है। बता दें कि ये सर्वे पर आधारित इंडेक्स है, जिसमें 400 कंपनियों के ऐसे अधिकारियों को शामिल किया जाता है जो कंपनी के लिए बड़े फैसले लेते हैं। इस सर्वे में इन सभी प्रतिभागियों से 5 विषयों पर उनके अनुमान और राय मांगी जाती है। सर्वे में मिले जवाबों के आधार पर 0 से लेकर 100 के बीच में इंडेक्स का आंकड़ा हासिल होता है। वही PMI आंकड़ा 50 से कम होने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर गतिविधियों में कमी आ रहा है। वही 50 से अधिक होने का मतलब गतिविधियों में तेजी आई है। आंकड़ा 50 से जितना दूर होगा, उस दिशा में गिरावट या बढ़त का अनुमान उतना ही ज्यादा होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और देखते रहें जागरण बिजनेस।